दिल्ली में आज से बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। दो दिवसीय इस बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगी। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तय हो रही है। इस बैठक में सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद हैं। इसके अलावा बैठक में मोर्चे के प्रभारी संगठन मंत्री भी मौजूद हैं। तो सभी राज्यों के प्रभारी सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मोर्चों के प्रभारी संगठन मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। काफी अहम ये बैठक होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। 2024 को लेकर प्लान बन सकता है। सभी राज्यों के प्रभारी सह प्रभारी यहां पहुंचे हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। और देखिए उस वक्त की तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। और दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है, काफी अहम बैठक, बीजेपी की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बन सकती है। इसी को लेकर चर्चा इस बैठक में हो सकती है और इसके चलते सभी राज्यों के प्रभारी आए हुए हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से बलराम पांडे का। बलराम, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर? देखिए, ये बैठक शुरू हो गई है और बैठक की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पदाधिकारी आए हुए थे इस बैठक में शामिल होने के लिए, उन्हें संबोधित किया और बताया कि किस तरीके से 2023 के चुनाव में पार्टी काम करेगी और किस तरीके से उन राज्यों को चुनाव बेहतर किया जाए उस पर चर्चा की गई। साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर के भी मंथन और चिंतन हुआ और बताया गया कि किस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के पार्टी के पदाधिकारी और संगठन के पदाधिकारी जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने जनहित में काम किया है, किस तरीके से उनकी योजनाएं जनहित में काम कर रही हैं। और साथ ही ये भी फीडबैक लिया गया है कि किस राज्य में किस स्तर पर संगठन काम कर रहा है, कहां पर संगठन कमजोर है, कहां पर संगठन को बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए। इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और अभी भी बैठक चल रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन के बाद मुख्यालय से निकलकर चले गए हैं, लेकिन अभी भी बैठक चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। वो जो सभी मोर्चों के प्रभारी हैं, जो पार्टी के महामंत्री हैं, जो संगठन के महामंत्री हैं, जो प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से संगठन राज्यों में काम कर रहा है, किस तरीके से उन राज्यों में सरकारें काम कर रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किस तरीके से उन राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं। तो इन सभी पहलुओं पर चर्चा हो रही है और उन चर्चा के दौरान ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि 2023 में जिन राज्यों में चुनाव है वहां के जो पदाधिकारी है, वहां का जो संगठन है वो किस तरह से काम कर रहा है और 2024 को लेकर के किस तरीके से पार्टी के पदाधिकारी काम कर रहे हैं, इस पर भी चिंतन और मंथन हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 2024 को लेकर अभी से किस तरह से बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, ये साफ यहाँ पर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।